हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ में थोड़ा सा आप लोगों का कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, लेकिन अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि हम लोग नई चीजों के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोग अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने इंट्रोडक्शन और इसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बताया था आप लोगों को। अब आप लोगों का स्टेप सब लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को दो स्टेप आप लोगों को बताए हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। ये दो स्टेप्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें मैंने सबसे पहला जो स्टेप था वो था आइसोलेशन, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेकर उसको फ्यूज करवाते हैं, कंबाइन करवाते हैं, तो जो नया डीएनए हमको प्राप्त होता है उसे हम आरडीएनए बोलते हैं। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसी डीएनए को हम किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म में जो हमारा होस्ट रहता है उसमें ट्रांसफर करते हैं, ताकि हम स्टडी कर सकें कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर ये आरडीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अगर किसी में इंसर्ट करवाया जाता है, किसी की बॉडी में जाता है, तो वो क्या असर दिखाता है, उसके क्या जो है फर्क पड़ता है और किसी की बॉडी में, उस चीज का स्टडी करने के लिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूजली करते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने दो स्टेप अभी तक के बताए हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए, तो पहला स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए या फिर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, जिन दो अलग अलग विभिन्न प्रजाति के आप लोगों ने डीएनए लिए हैं, अलग अलग विभिन्न प्रजाति के ऑर्गेनिज्म से जो डीएनए लिया है, पहले तो आप उससे उस डीएनए को बाहर निकालेंगे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। तो ठीक है, तो उसे निकालने का काम पहले होता है, पहले हम आइसोलेट करेंगे डीएनए को, और प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए हम लोगों को डीएनए का। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप था वो मैंने बताया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो आपने डीएनए अलग किया है, ये जैसे कि डीएनए है जिसको आपने अलग किया था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में ये खासियत होती है कि वो पर्टिकुलर किसी किसी लोकेशन पर डीएनए को कट लगाता है और डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन हम करवाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन जो है, मैं हम लोग कराने के बाद जो है, मैंने आप लोग को बताया था कि इस प्रोसेस को करने के बाद जो है, कट करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन जो होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं, और डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हैं कि नहीं, इसे हम लोग, इस स्टेप को आगे देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है आप लोगों का एक एनालिटिकल टेक्निक है, और जिसमें हम लोग कौन से इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं, एग्रोस जेल, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के जरिए जो है, हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में आप लोगों का जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसने अपना काम किया है कि नहीं। और ये प्रोसेस एक्चुअल में होती कैसे है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को मैं इंस्ट्रूमेंट दिखाती हूँ, जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। वेट करेंगे थोड़ा सा।
ये देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस होती है ये ऐसे टैंक में की जाती है, ये आप लोगों का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने का जेल टैंक होता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए कि हम लोग पहले जेल का प्रिपरेशन करते हैं जो एग्रोस से बनता है। एग्रोस को हम लोग टीएई बफर में मिलाते हैं, उसके बाद हम लोग जेल बनाते हैं। जेल बनने के बाद जेल जब लिक्विड फॉर्म में रहता है तब उसे गरम गरम में ही इस जेल टैंक के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, जेल टैंक के ऊपर डाला जाता है और इसमें एक लाइन दी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे ये एक लाइन है। ठीक है, ये जो एक लाइन दी हुई है इसके डूबते तक के, इसके यहाँ जो लाइन दी हुई है इसके डूबते तक के हम जेल डालते हैं। जेल डालने के बाद जब जेल पूरा जम जाता है, जब तो पूरा कंप्लीट जब जेल बन जाता है, और जेल को हमको कहाँ डालना है ये भी बता देती हूँ। ये इस लाइन से लेकर इस लाइन, सिर्फ इतने ही एरिया में जो है आपका जेल डलेगा, यहाँ यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जेल है आपको इतने एरिया में ही पोर करना है। उसके बाद इसके ऊपर टीएई बफर डालते हैं। ये जो प्रोसेस आप लोग जब करेंगे, जब मैं प्रैक्टिकल्स कराऊंगी आप लोगों को, तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जेल जैसे डालने के बाद जेल जब जम जाता है इसके ऊपर हम लोग टीएई बफर डालते हैं। तो नीचे जेल है, ऊपर टीएई बफर है। अब हमारे पास जो डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया है, वो हमारे पास जो सैंपल है उसमें हम क्या डालते हैं, डाई डाल देते हैं डीएनए, क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं। डीएनए क्या रहता है आपका, ट्रांसपेरेंट रहता है या फिर आपका कलरलेस रहता है, तो हम उसको देख नहीं सकते। तो डीएनए को देखने के लिए लोडिंग डाई डाला जाता है जो कोई भी कलर का हो सकता है। यूजुअली हम लोग जो प्रिफर करते हैं वो ब्लू कलर का डाई होता है जो आप लोगों को डीएनए को कलर कर देता है। अब डीएनए कलर आ गया, डीएनए में डाई डालने से डीएनए का एक कलर आ गया। अब डीएनए का जो कलर आया है उससे हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ब्लैक है और एक रेड है, एक एनोड और एक कैथोड, ये चीजें दी हुई हैं। तो एनोड वाले में इसका एक अलग से सेट भी आता है इलेक्ट्रोड वाला, जिसमें यहाँ पर रेड वाले में रेड वाला इलेक्ट्रोड, ब्लैक वाले में ब्लैक वाला इलेक्ट्रोड यहाँ यहाँ पर लगा दिया जाता है। अब लगाने के बाद जो है क्या किया जाता है, हम लोग जो है यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस करेंगे, अगर इस जेल टैंक को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर खांचे बने हुए हैं, ये जो दो खांचे हैं, ये जो खांचा है ये इस खांचे पे एक कॉम्ब लगता है। कॉम्ब मतलब होता है कंघी के जैसा एक प्लास्टिक वाला हिस्सा होता है। अभी एट प्रेजेंट वो यहाँ नहीं है लैब में, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि दूसरी जो टीचर है उन्होंने प्रैक्टिकल करने के लिए लेके गए हैं माइक्रोबायोलॉजी वालों ने। तो वो कॉम्ब जो है, जैसे ही आप जेल को जब डालते हैं गरम गरम में, जेल को डालने के बाद तुरंत उस कॉम्ब को लगा दिया जाता है। इसलिए लगाया जाता है ताकि कॉम्ब जो है, ये देखिए ये आपका जेल टैंक है, ये जेल टैंक है सेम ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पर जो खांचे बने हुए हैं, ये खांचा मैंने बनाया, यहाँ पर आपका कॉम्ब जब लगता है तो कॉम्ब जो है, कॉम्ब कैसा रहता है, कॉम्ब ऐसा रहता है। ये कॉम्ब जो है ऐसा रहता है। ठीक है, अब ये कॉम्ब को जो हम जैसे ही डालते हैं, जेल को डालने के तुरंत बाद हमें डालना है, जेल को पोर करने के बाद गरम गरम में ही, जब जेल गरम रहता है उसी टाइम कॉम्ब लगा देना चाहिए। क्यों, ताकि जो कॉम्ब जहां जहां पर ऐसे जो खांचे कॉम्ब के ऐसे से रहेंगे तो वहां वहां पर जेल में छेद हो जाएंगे। ठीक है, जेल के जेल में छेद छेद हो जाएंगे, तो उसी छेद में, उसी होल्स में ही आपको क्या करने हैं, उसी होल्स में ही आप लोगों को अपने डीएनए को डालना है। कैसे डालेंगे डीएनए को, सबसे पहले तो आपका जेल डालें, जेल डालने के बाद ये जो कॉम्ब्स को डाल दिए, कॉम्ब्स को फिर हम लोग फिर टीएई बफर डाल दिए, कॉम्ब्स लगाई हुआ है। अब जब सब चीज ओके हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हम कॉम्ब को निकालेंगे, तो कॉम्ब को हम जैसे ही निकालेंगे तो जेल में छेद हो जाए रहेगा, थोड़े थोड़े दूर में ऐसे अलग अलग जो है होल्स बन जाए रहेंगे। अब इन होल्स में क्या करना है हम लोगों को, जिस डीएनए में हमने अपना डाई डाल के रखा है उसको माइक्रोपिपेट की सहायता से जहां पर होल है, ठीक है, तो आपका मान लीजिए ये मैं जेल टैंक का फोटो बना रही हूं इसी का ही ऐसे रूप में, मतलब ऐसे ऊपर से हम देखेंगे तो कैसे दिखेगा। तो यहां पर एक होल बना है, यहां पर एक होल बना है, यहां पर एक होल बना है, ठीक है, इस कॉम्ब को रखने की वजह से ये तीन होल्स मान लीजिए बने। ठीक है, वैसे तो तीन से ज्यादा होते हैं, ये तीन होल्स बने। अब यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है।
कभी भी याद रखेंगे कि आपका जो सॉरी यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, कभी भी ध्यान रखेंगे जो कॉम्ब है उसको किस साइड लगाना है, आप लोगों को हमेशा माइनस वाला जो चार्ज होता है उस साइड ही कॉम्ब को लगाना है खांचे, क्योंकि दो दो जगह पे बने हुए हैं, तो उस जगह पे ही उस खांचे में ही कॉम्ब को सेट करना है जहां माइनस चार्ज वाला है, ठीक है। तो माइनस चार्ज वाला जहां पर है वहां पर आपके कॉम्ब को आपने लगा दिया, कॉम्ब निकाल दिए, खांचे बन गए। अब जो आपने डाई डाला हुआ है, ठीक है, डीएनए को कलर किया हुआ है, डीएनए को कलर किया हुआ है तो उसको माइक्रोपिपेट में लेंगे, माइक्रोपिपेट में लेकर इस जगह पे डालेंगे, पहले वाले होल में, फिर सेकेंड वाले होल में, फिर थर्ड वाले होल में, ऐसे करके हम डीएनए को थोड़ा 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 कर करके डालते जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को हमने डाला इसमें इसमें इसमें, ये तीन जगह पे हमने अपने डीएनए को पोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर जो है हमने वायर वाला इलेक्ट्रोड एक डब्बा है जो हमारे पास, उसको हमने लगा के रख दिया। अब हम स्विच को ऑन कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अब यहाँ से जाने लग जाएगा। तो आपने ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया, एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाया, प्लस वाला प्लस जगह पे, माइनस वाला माइनस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला अपना माइनस होता है, रेड वाला अपना प्लस होता है, ठीक है। तो ब्लैक वाले के पास जो है कौन सा वाला चार्ज जा रहा है, आपका माइनस वाला चार्ज जा रहा है, और रेड वाले के पास आपका प्लस वाला चार्ज जा रहा है। अब हमने डाल दिया है यहाँ पर, ब्लैक वाले के पास ही हमारा डीएनए को हमने लोड किया है। डीएनए में कौन सा चार्ज रहता है याद रखना है, डीएनए में डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो और सभी अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर सेम रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसलिए आपने डाला है माइनस की तरफ डीएनए को, ठीक है, और यहां पर आपने फिर वायर को लगा दिया ऐसे, यहाँ प्लस वाले में प्लस वाला, माइनस वाले में माइनस वाला, और यहाँ पर आपका एक बॉक्स लगा हुआ है जिसमें आपका स्विच दिया हुआ है, इस स्विच को आपने ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, करंट जो है पास होने लगा, प्लस वाला प्लस वाले में करंट जाने लगा, माइनस वाले में करंट जाने लगा। अब माइनस वाले में हमने क्या डाल के रखा है, हमारे डीएनए, डीएनए के पास कौन सा चार्ज है, प्लस, और सॉरी माइनस, माइनस चार्ज है डीएनए के पास। तो यहां से जब करंट पास होगा डीएनए तक के, तो जो डीएनए है वो रन करना चालू करेंगे, वो भागना चालू कर देंगे। किधर भागेंगे, किधर जाएंगे, किधर रन करेंगे, ये पॉजिटिव के तरफ। क्यों, क्योंकि अलग अलग जो आवेश रहते, विद्युत आवेश, वो अगर माइनस है, अगर धन आवेश है तो वो ऋण आवेश की तरफ जाएगा, और अगर वो ऋण आवेश है तो वो धन आवेश की तरफ जाएगा, ठीक है। अट्रैक्ट होते हैं, अगर अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं। तो माइनस चार्ज है यहाँ पर, और डीएनए का भी माइनस चार्ज है। तो डीएनए अगर माइनस चार्ज है और डीएनए इसमें सच में छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया है, तो वो रन करना चालू करेगा, और वो रन करेगा किसकी तरफ, प्लस की तरफ, ठीक है। तो ये होता है आपका एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको इस जेल टैंक की सहायता से इसमें किया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही अपने डीएनए डालेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं पास ला रही हूँ तो यहाँ पर देखो कॉम्ब की वजह से छोटे 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 निशान बन गए, कॉम्ब यहाँ पर लगाया जाता है ना, इसलिए वहां पर निशान जो है वो डेवलप हो गए हैं, ध्यान से देखेंगे तो आप, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर डाला, अब आपका जो डीएनए है इस एरिया में डाला था आपने, माइनस वाले में। अब आपके जो डीएनए ऐसे रन करते हुए दिखाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि मैडम दिखेगा कैसे, तो आपने अपने कलर डीएनए में कौन सा कलर डाला है, आपने अपने डीएनए में डाला है ब्लू कलर, तो वो आपको ब्लू कलर जो है ऐसे 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 दिखेगा। कैसे दिखेगा पता है, यहाँ पर हल्का सा ब्लू कलर, यहाँ पर हल्का सा ब्लू कलर, यहाँ पर हल्का सा ब्लू कलर करके ऐसे ना डीएनए जो है रन करते दिखेगा, चलते हुए दिखेगा, मतलब ऐसे चलते हुए एकदम से नहीं, आपको कलर 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 दिखाई देंगे जो इधर प्लस के साइड बढ़ रहे होंगे। इसका मतलब ये कि जो डीएनए है आपका, वो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में डीएनए को कट किया है, और जो डीएनए है आपका वो अच्छे से काम कर रहा है। The technique involves running out the DNA on an agarose gel on the application of current. The negatively charged DNA travels to the positive electrode and is separated out based on size. और जैसे ही ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली, अब हम लोग इलेक्ट्रोफोरोसिस करेंगे जब, तो आपका जो डीएनए है माइनस से प्लस की तरफ जब जाएगा, तो ये अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उसमें अपने साइज साइज के अकॉर्डिंग बैंड्स हमको मिलेंगे। ये जो है ना, इसको बैंड्स बोलते हैं, डीएनए के बैंड्स दिखना बोलते हैं, जो अलग अलग दिखाई देते हैं ना ऐसे रन करते हुए, थोड़ा सा ब्लू यहाँ पर, थोड़ा सा ब्लू यहाँ पर, ठीक है। तो वो हमको डीएनए के बैंड्स बोलते हैं हम लोगों को,
ठीक है, तो डीएनए के जो बैंड्स हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस के जरिए, जिसके सहारे से हम क्या कर सकते हैं, दिस अलाउ सेपरेटिंग एंड कटिंग आउट द डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट, द वेक्टर डीएनए इज ऑल्सो प्रोसेस यूजिंग द सेम प्रोसेस। अब इसके जरिए हमको क्या पता चल गया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम अच्छे से किया था, उसने डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा भी था, और डीएनए आपका रन कर रहा है, मतलब सही से है आपका डीएनए, डीएनए है तभी तो रन कर रहा है, डीएनए नहीं रहता तो रन नहीं करता, ये भी एक चीज पता चल गई। डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से कटा है ये भी पता चल गई, और इससे तीसरा एक फायदा हुआ जो हमको क्या करना है कि अपने साइज के हिसाब से डीएनए जो है वो रन करना चालू किए, रन करना चालू करेंगे, छोटे साइज के जो रहेंगे वो जल्दी रन करते हैं और जो बड़े साइज के रहते हैं वो धीरे धीरे रन करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोफोरोसिस की प्रोसेस हुई, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफोरोसिस वाला कंप्लीट खत्म। और एक और चीज, जब डीएनए जो है आपका रन करवाते हैं और जब आप स्विच को ऑन कर देते हैं तो हमको छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, कम से कम 20 से 25 मिनट, कई बार आधे घंटे भी छोड़ना पड़ता है। आप जब 20-25 मिनट के बाद आके देखते हैं तो आप अपना डीएनए को रन करते हो पाएंगे। जब 20-25 मिनट के लिए आप छोड़ते हैं तो ये इसका ढक्कन है जो आपके जेल टैंक को आप कवर करके ऐसे आप कवर कर देते हैं जेल टैंक को, और आप फिर अपना दूसरा काम करिए तब तक कि डीएनए जो है वो रन करेगा। डीएनए के बैंड्स को अच्छे से देखने के लिए हम लोग ट्रांसल्यूमिनेटर भी यूज करते हैं, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमको क्या करना चाहता है कि आपका जब ये प्रोसीजर पूरा हो गया डीएनए रन कर दो तो जेल आप पूरा टीआई बफर को निकाल दो, ठीक है, और उसके बाद जेल तो वही आपका है, फिक्स है, जेल को काटना है आपको, जेल को उठा के और आपको रखना है किसमें, अपने ट्रांसल्यूमिनेटर में, हम देखते हैं डीएनए कैसा दिख रहा है करके, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि कई बार जेल को काटते टाइम जेल पूरा ही टूट जाता है, तो ये प्रोसेस जो है बहुत सोच समझ कर अच्छे से बहुत सावधानी से करनी चाहिए। तो ये आपका सेकेंड स्टेप का कंप्लीट आज मैंने कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन जो है ये वाला। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, थर्ड स्टेप क्या होता है, हमारा डीएनए हमारे पास फाइनली आ गया है जो छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया है और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उसे अच्छे से कट भी किया, ये भी हमको पता चल गया यहां तक के। अब थर्ड स्टेप में हम लोग जाते हैं, थर्ड स्टेप जो है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप एम्पलीफिकेशन बाय पीसीआर। एम्पलीफिकेशन बाय पीसीआर, तो पॉइंट नंबर वन, पहले तो यहां पर ये जान लीजिए कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये पीसीआर का फुल फॉर्म है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके, पहली बात तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों किया जाता है, इससे होता क्या है ये पता कर लेते हैं, ये जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस स्टेप के बारे में अच्छे जानेंगे। तो पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है, ये जो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक डीएनए से या फिर कुछ डीएनए की संख्या से हम लोग 1000 डीएनए बना सकते हैं, कॉपी कर करके 1000 डीएनए की कॉपी बना सकते हैं, या 1000 से और लाखों करोड़ों कॉपीज बना सकते हैं एक या फिर कुछ डीएनए की सहायता से, ठीक है। तो पीसीआर क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है डीएनए की, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है डीएनए की, और इसमें वो किसकी हेल्प लेता है, एंजाइम की, कौन से एंजाइम की, हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़े हैं इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक, वो यूज करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से। आपका जो पीसीआर टेक्निक है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनती है, एक डीएनए से हम लोग 100 डीएनए बना सकते हैं, और अगर 3-4 डीएनए हमने लिए हैं सैंपल में, एक्चुअल में कि 3-4 डीएनए हमको मिला और हमको बोला गया है कि इसकी लाखों करोड़ों कॉपी बना के दिखाओ, लाखों करोड़ों डीएनए बना के दिखाओ इन 3 डीएनए से, तो हम उसको भी कर सकते हैं किसकी सहायता से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सहायता से। तो ये किससे होता है, और एक एंजाइम है जो हेल्प करता है, ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, क्योंकि ये तो डीएनए की कॉपी बनाने में सक्षमता है इसके पास। तो ये एक हुआ
और ये जो प्रोसेस होती है इन विट्रो प्रोसेस है, नेचुरली नहीं होती है प्रोसेस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आपके पास इसका डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, थर्मल साइक्लर बोलते हैं जिसे, उस डिवाइस का नाम, उस मशीन का नाम है थर्मल साइक्लर। ये जो थर्मल साइक्लर है ये ऐसी मशीन ही होती है जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब पीसीआर की टेक्निक को किया जाता है, जिसमें डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती हैं, ठीक है। अब ये हुआ, अब इसमें एम्पलीफाई करना, एम्पलीफिकेशन मतलब बढ़ाना, ठीक है, एम्पलीफिकेशन मतलब बढ़ाना, या तो डीएनए को हम बढ़ा ही तो रहे ना, डीएनए की एक एक कॉपी से हम लोग अगर 100 कॉपी बना रहे तो डीएनए को बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो एम्पलीफिकेशन उसी को बोलते हैं। अब जो पीसीआर है, पीसीआर किया जाता है, जो आप लोग का सेकेंड स्टेप तक हम जो पहुंचे थे उसमें क्या बताया गया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो ऑर्गेनिज्म जो दो विभिन्न प्रजातियों से हमने डीएनए आइसोलेट किया, फिर उस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए, उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, उनको अलग अलग साइज के हिसाब से बांट दिया, अब हमको उसी डीएनए को, जो थोड़े से डीएनए उसका बहुत सारा कॉपी बनाना है। ये पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है, तो जिसमें एम्पलीफिकेशन बाय पीसीआर, पीसीआर मशीन को यूज किया जा रहा है, पीसीआर की टेक्निक यूज की जा रही है, जिसमें जो हमारे पास डीएनए है उसकी हम लोग बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, ठीक है। तो जिसमें आप लोगों को किस किस चीज की आवश्यकता होती है ध्यान से सुनेंगे, पीसीआर टेक्निक अगर हमको करनी है तो हमको कुछ कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, टेम्पलेट डीएनए, दूसरा प्राइमर, तीसरा आप लोगों का एंजाइम, एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएनए पॉलीमर एंजाइम, जिसमें यूजुअली डीएनए पॉलीमरेज आप लोगों 1 2 3 तीनों काम करेंगे, और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो प्राइमर रहता है वो कौन सा प्राइमर रहता है, आरएनए वाला प्राइमर, ये हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में प्रोसेस होती कैसे है, पहले तो आपके पास एक अगर डीएनए है, इसके 100 कॉपीज बनानी है, ये एक डीएनए है, तो पहले तो वो क्या करेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हीट करेगा डीएनए को, डीएनए को डीनेचर करेगा, डीएनए डीनेचर होता है तो डीएनए टूट जाता है, टूटता है तो ये अलग अलग स्ट्रैंड में बदल जाएंगे, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज, अब जो है प्राइमर का क्या काम है, प्राइमर मतलब छोटा सा आरएनए का टुकड़ा यहां पर आके जुड़ा, ठीक है, वो सिर्फ स्टार्ट करता है, और इसी को ही फिर आगे कौन बढ़ाता है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है। अब पहले तो प्राइमर आके यहाँ पर आता है, अटैच होता है, अब डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर की सहायता से क्या करता है, इस न्यूक्लियोटाइड को ही जोड़ते जाता है, न्यूक्लियोटाइड को यहां पर आगे जोड़ते जाता है, ठीक है, जिससे सेकेंड कॉपी बन गई। और इसमें क्या क्या यूज हुआ, टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए मतलब जो अलग अलग हो के सिंगल सिंगल स्ट्रैंड कहलाते हैं वो आपके टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर जो छोटा सा आपका आरएनए का प्राइम, आरएनए प्राइमर है वो जुड़ा जो स्टार्ट करता है प्रोसेस को, डीएनए पॉलीमरेज जो आपका प्राइमर को ही, प्राइमर में ही आगे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के क्या बनाता है, पूरे डीएनए के सीक्वेंस बनाता है। तो इस प्रकार से आपका नया डीएनए बना, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होगी, तो एक से आपके दो बने, फिर जब प्रोसेस होगी तो यही डीएनए फिर से टूटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो स्ट्रैंड इसका और ये दो स्ट्रैंड इसका, तो सेम वही प्रोसेस जो है रिपीट होते होते क्या होगी, आपका प्रोसेस जो है चलते जाएगा, और एक डीएनए से हम 100 डीएनए, 100 से 200, लाखों करोड़ों बहुत सारे डीएनए जो है हम बना सकते हैं, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, जितना देखने में लग रहा है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। हम तो अपना पढ़े करके ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि अरे बहुत टाइम लगता होगा, नो, बट ये एकदम खटाखट प्रोसेस होती है, एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है। द कट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग पीसीआर एंड देन लैगेटेड विद द कट वेक्टर। तो ये आपका एम्पलीफिकेशन हो गया। अब डीएनए की हमने कॉपीज बना ली, डीएनए को हमने फाइनली जो है बहुत सारी कॉपीज बना के रख दिया। अब क्या होगा उसे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आप लोग का टाइमिंग खत्म हो रहा है, आप लोग का टाइमिंग खत्म हो रहा है।